आखिर क्यों माँ नहीं बन पाई रेखा। एक्ट्रेस ने सुनाया अपने दिल का हाल, दोबारा करना चाहती थी वो शादी, लेकिन बच्चा पैदा करना या फिर गोद लेना उनका उद्देश्य नहीं था। वेल, आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में जब रेखा ने अपने कदम रखे तब उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था और ना ही आज है। स्टारडम के साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हमेशा रेखा के पल्लू से बंधे रहे। उनकी जिंदगी इतनी डार्क रही कि कोई सुने तो सहम जाए। लेकिन इस बीच रेखा का वो इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके चलते वो कभी माँ नहीं बन पाई। रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की और उस वक्त रेखा 36 साल की थी। शादी के 7 महीने के बाद ही 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगा ली। हालांकि रेखा का दिल कई बार टूटा और इस शादी के बाद भी उन्होंने अपने लिए परफेक्ट साथी की उम्मीद जताई थी। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि अगर उन्हें कोई सही इंसान मिले तो वो अपना मन बदल कर शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन रेखा ने बच्चे को लेकर एक शॉकिंग इंटरव्यू दे डाला। रेखा ने कहा उन्हें कभी कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि वो कभी माँ नहीं बनना चाहती थी। रेखा ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में कभी बच्चे को मिस नहीं करती। रेखा ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्हें शादी के लिए कोई लड़का मिल जाता है तो भी वो बच्चे नहीं होने देगी। रेखा ने कहा था कि अगर उन्हें बच्चा होता तो ये उनके प्रायोरिटी के साथ बिल्कुल अनफेयर होगा क्योंकि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। रेखा का यह बयान उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा था। मुकेश के बाद रेखा की जिंदगी में कभी कोई नहीं आया, लेकिन शादी से पहले उनके अफेयर कई लोगों के साथ रहे। आज भी अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरीज को लेकर लोग कई तरह की बातें करते हैं। वेल, शादी से पहले उनका अफेयर नवीन निश्चल, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और राज बब्बर के साथ रहा, लेकिन उनका सबसे ज्यादा चर्चित अफेयर विनोद मेहरा के साथ हुआ। हालांकि रेखा ने हमेशा इस रिश्ते से इनकार किया, वहीं जानने वालों का ये कहना है कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे और उनका तलाक हो चुका था। इसके बावजूद रेखा उनके प्यार में पड़ गईं। वहीं अमिताभ और रेखा का अफेयर भी ऐसा था जिसकी चर्चा आज भी होती है। कहा जाता है कि रेखा के दिल में अभी भी अमिताभ के लिए काफी प्यार है। फिलहाल रेखा फिल्मों से दूर है, हालांकि वो बड़े इवेंट्स में जरूर नजर आती हैं। आखिरी बार वो हेमा मालिनी के बर्थडे पर नजर आई थी। वह आप क्या कहेंगे एक्ट्रेस रेखा के इस बड़े इंटरव्यू पर? कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।